तो आज मैं अरवी के पत्तों से बनी रिकवच रेसिपी लेके आई हूँ। और मैंने एक कटोरी चावल लिया है, एक कटोरी चने की दाल, एक चौथाई उड़द की दाल, और मैंने इसे रात को सोने से पहले भिगो दिया था। और अब देखिए, ये मेरी भीगी हुई दाल चावल अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे पानी को अलग करूंगी मैं। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसने जा रही हूँ और मैंने इसे बारीकी से अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकालने जा रही हूँ। मैंने इसे निकाल दिया है बाउल से। और ये देखिए, लहसुन के टुकड़े और हरी मिर्च, जीरा, हींग, भरवा लाल मिर्च को मैंने बारीकी से पीस लिया है। अब मैं इन सब पीसे हुए इंग्रेडिएंट्स को बेसन के अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा, और इन्हें अच्छे से मिला के एक अच्छी स्लरी तैयार करनी है। और ये मैंने अरवी के पत्ते लिए हैं, अच्छे से साफ करके इसमें मैं स्लरी लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक पत्ते में स्लरी लगा दिया है। मैं दूसरा पत्ता घुमा के दूसरी तरफ से इसमें भी मैंने स्लरी लगा दी है। और अब मैं तीसरे पत्ते में स्लरी लगा रही हूँ। इस तरह मैंने 3 से 4 पत्ते आपस में इन्हें मैंने स्लरी लगा के एक साथ जोड़ दिया है। और साइड से अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इसमें स्लरी लगा दी है। और अब इसे रोल करना स्टार्ट कर दिया है स्लरी लगा के। और ये देखिए, कितनी बारीकी से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये अरवी का पत्ता। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। एक तरफ मैंने उबलने के लिए पानी रख दिया है पतीले में। अब मैं इसमें थाली में रख के अरवी के पत्तों का रोल और इसे ढक के बॉईल करूंगी। दस से 15 मिनट इसे उबाल लें। के बाद ये देखिए, अरवी के पत्ते बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसमें माचिस की तिल्ली लगा के चेक कर लें। अब इन रोल को काट लें। एक तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। एक एक करके मैंने तेल में कटे हुए रोल को डाल दिया है। अब इन्हें पलट लें
और दूसरी तरफ से भी देखो पका लिया है मैंने इसे अच्छे से, और ये खाने के लिए तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय दोस्तों।